हरिद्वार पुलिस कप्तान अजय सिंह अपने प्रभारियों के साथ जो कांवड़ मेले में जिनकी ड्यूटी तैनात की गई है उनके साथ देख सकते हैं कि दोधारी चौक पर इस समय मौजूद हैं। और चूंकि हरियाणा और दिल्ली सबसे ज़्यादा कांवड़िए आते हैं, दोनों तरफ के कांवड़िए लाखों की तादाद करोड़ों की तादाद में आते हैं, तो इन दोनों के लिए बेस्ट पॉसिबल वे और इनकी पार्किंग व्यवस्था दोनों के लिए किस कहाँ की गई सबसे? लगातार हरी टीवी को जो है कांवड़ियों का समर्थन मिल रहा है और लाखों की तादाद में कांवड़िए जो है वो पेज को रीच कर रहे हैं और हरिद्वार से जुड़ी जानकारियों के लिए काफ़ी उत्सुक हैं। ये कहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे पार्किंग क्या हो सकता है, कहीं बारिश होने के कारण बहुत सारी पार्किंग में पानी भर गया है, अन्य व्यवस्थाएं जो सफाई से रिलेटेड भी होती है वो भी हमारे जब मौके पहुँचते हैं तो हमारे कर्मचारीगण बता पाते हैं। तभी बॉर्डर से भी जब गाड़ी आएंगी तो उनको QR कोड युक्त जो हम पैम्पलेट दे रहे हैं जिसको स्कैन करके सारी पार्किंग के बारे में कहाँ होनी है, कितनी दूरी है और रियल टाइम स्टेटस भी को पता चलता रहेगा। कोई अपर रोड से लेकर उत्तरी हरिद्वार मुख्य क्षेत्र रहता है कांवड़ का, जहाँ सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है भीड़ का, यहाँ के मद्देनजर ताकि लोकल को दिक्कत ना हो और कोई मरीज जो है उसको दिक्कत ना हो, इसके लिए क्या कोई प्रावधान किया गया है? देख रास्ते जाम हो तो ये गंगा नहर वाला जो हमारी जो गंगा नदी के सारे जो हम बोट के सारे भी ले जा सकते हैं वो भी हमने एक रिवर एम्बुलेंस के रूप में रखा है। तो कांवड़ मेला है और इसके इतने शरणार्थी और कांवड़ी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सुविधा को देखते हुए हमारी फोर्स तैयार है। जो असुविधा थोड़ी बहुत होती है वो एक ड्यूटी का पार्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कांवड़ खंडित होने की घटनाएं सामने आ रही है चाहे वजह कोई भी रही हो, इसको रोकने के क्या निर्देश देगा ताकि कोई? इस बार हमने पुलिस की तौर से स्वच्छता का एक वो भी लिया है, संकल्प लिया है कि कांवड़ स्वच्छ संकल्प लिया है, उसमें सहयोग करें, यही उनके लिए संदेश है। अपर रोड जो है वो अपने आप में सबसे ज़्यादा दबाव वाला क्षेत्र रहता है, हर की पौड़ी क्षेत्र, उत्तरी हरिद्वार क्षेत्र, और देख सकते हैं वो निरीक्षण करते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले हरिद्वार द टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर। कांवड़ मेले की शुरुआत हो चुकी है और अंदाजा जताया जा रहा है कि करोड़ों की संख्या में कांवड़िए हरिद्वार पहुंचने वाले हैं। इस वक्त बड़ी खबर लेकर आपके बीच में जुड़े हैं हरिद्वार पुलिस कप्तान अजय सिंह अपने प्रभारियों के साथ जो कांवड़ मेले में जिनकी ड्यूटी तैनात की गई है उनके साथ देख सकते हैं कि दोधारी चौक पर इस समय मौजूद हैं और कांवड़ क्षेत्र का जो है वो निरीक्षण किया जा रहा है, व्यवस्थाओं को सुचारू करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। बता दें आपको कि चमगादड़ टापू होते हुए RTO चौक से लेकर दोधारी पर इस समय मौजूद हैं और ये निरीक्षण जो है अभी भी जारी है। With 18 plus years of excellence, Devbhoomi Uttarakhand University inviting admissions for session 2023. Choose your options from 120 plus program. One university, unlimited opportunities. बात करने की कोशिश करेंगे और सुनवाएंगे आपको कि पुलिस कप्तान का कांवड़ मेले को लेकर क्या कहना है। तो लगातार हरी टीवी को जो है कांवड़ियों का समर्थन मिल रहा है और लाखों की तादाद में कांवड़िए जो है वो पेज को रीच कर रहे हैं और हरिद्वार से जुड़ी जानकारियों के लिए काफ़ी उत्सुक हैं। इस समय हरिद्वार पुलिस कप्तान का निरीक्षण चल रहा है, पैदल वो निकल चुके हैं और आप पसीने जो देख रहे हैं वो पुलिस कर्मियों की शर्ट पर आपको नजर आ रहे होंगे। आइए जानते हैं पुलिस कप्तान से कि कैसे आज निरीक्षण किया गया है। सर देखिए, ये निरीक्षण इसलिए चल रहा है कि बहुत छोटी छोटी जो ड्यूटी पॉइंट पर जब जाके हम देखते हैं और जो हमारे बाहर का पुलिस वाला आया, अधिकारी आया है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि कहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे पार्किंग क्या हो सकता है, कहीं बारिश होने के कारण बहुत सारी पार्किंग में पानी भर गया है, अन्य व्यवस्थाएँ जो सफाई से रिलेटेड भी होती है वो भी हमारे जब मौके पहुँचते हैं तो हमारे कर्मचारीगण बता पाते हैं, तभी हम अच्छे से व्यवस्था कर पाते हैं। किस किस रूटों पर डाइवर्जन करना है वो भी हमारे फोर्स को ब्रीफ होना चाहिए, तो इसीलिए निरीक्षण लगातार ही चल रहा है। सर चूँकि हरियाणा और दिल्ली सबसे ज़्यादा कांवड़िए आते हैं, दोनों तरफ के कांवड़िए लाखों की तादाद करोड़ों की तादाद में आते हैं, तो इन दोनों के लिए बेस्ट पॉसिबल वे और इनकी पार्किंग व्यवस्था दोनों के लिए किस कहाँ की गई? देखिए हरियाणा और दिल्ली या चाहे अन्यत्र जगहों से जो भी हमारे आ रहे हैं, बड़ी गाड़ियों के लिए बैरागी टाइम पार्किंग है। इस बार QR कोड स्कैन के थ्रू हमने पूरे जगह जगह हमने प्रांतों में पैम्पलेट बंटवाए, बॉर्डर से भी जब गाड़ी आएंगी तो उनको QR कोड युक्त जो हम पैम्पलेट दे रहे हैं जिसको स्कैन करके सारी पार्किंग के बारे में कहाँ होनी है, कितनी दूरी है और रियल टाइम स्टेटस भी को पता चलता रहेगा। कोई डाइवर्जन किसी परिस्थिति में होता वो भी पता चलेगा। वापसी में 11 तारीख के बाद पूरे हाईवे को जो है, जो हमारा नेशनल हाईवे है यहाँ पर हरिद्वार मेरठ मुजफ्फरनगर वाला, और टू वे एग्जिट होगा और ये मुजफ्फरनगर से भी पूरी हमारी आज टाइप हो गया है, तो उसमें सारा टू वे एग्जिट रहेगा और लोकली हम नहर पटरी का प्रयोग करेंगे। सर अपर रोड से लेकर उत्तरी हरिद्वार मुख्य क्षेत्र रहता है कांवड़ का, जहाँ सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है भीड़ का,
यहाँ के मद्देनजर, ताकि लोकल को दिक्कत ना हो और कोई मरीज जो है उसको दिक्कत ना हो, इसके लिए क्या कोई प्रावधान किया गया? देखिए, इसमें व्यापारीगढ़ों से जो यहाँ के निवासी हैं उनसे वार्ता कर ली गई, हमारे लोकल स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाएंगे जो व्यापारीगढ़ के उसमें आते हैं, उनके द्वारा इसमें सहयोग लिया जा रहा है। साथ ही साथ आपने कहा एम्बुलेंस या कोई आकस्मिक स्थिति में, इसीलिए इस बार जो हमने रिवर एम्बुलेंस का जो है, जो हमारी बोट जल पुलिस की बोट है, उसमें भी हमने रखा है कि अगर रास्ते जाम हो तो हम ये गंगनहर वाला जो हमारी जो गंगा नदी के सारे जो हम बोट के सहारे भी ले जा सकते हैं, वो भी हमने एक रिवर एम्बुलेंस के रूप में रखा है। तो परिस्थितियों अनुसार जो भी चीज़ अनुकूल रहेगी उसमें व्यवस्था की जाएगी। सर, रिलीवर जैसे एक बात की जाती है, पुलिसकर्मी लगातार जो ड्यूटी करते हैं थक जाते हैं, उनकी बॉडी जो है वो जवाब देने लगती है एक टाइम बाद, तो उनके लिए क्या कोई रिलीवर की भी कुछ व्यवस्था? देखिए, ड्यूटी शिफ्ट वाइज लगी हुई है 12-12 घंटे की, साथ ही साथ इसका ख्याल रखा जाता है। अभी जब मेन कांवड़ पीक पर आएगा तो पानी की बोतल हो, ग्लूकोज हो, जो भी नेसेसरी चीज़ें वो यथासंभव जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बाकी लोकल लोग भी काफ़ी सहयोग करते हैं इसमें, खाने के पैकेट्स वगैरह भी बनवा देते हैं जिससे कि वो उनको कहीं परेशान ना होना पड़े। तो जितनी व्यवस्था है, लेकिन इतना बड़ा जब कांवड़ मेला है और इसके इतने शरणार्थी और कांवड़ी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सुविधा को देखते हुए हमारी फोर्स तैयार है। जो असुविधा थोड़ी बहुत होती है वो एक ड्यूटी का पार्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर, अंतिम सवाल मेरा, जैसे अभी हाल ही में 2 घटनाएं देखने को मिल गई, कांवड़ खंडी तो नहीं घटनाएं सामने आ रही, चाहे वजह कोई भी रही हो, इसको रोकने के क्या निर्देश देगा ताकि कोई बड़ा? देखिए, आपके इंडियन आर्मी ऑफिसर बनने के सपने की तरफ पहला कदम, दून डिफेंस ड्रीमर प्राइवेट लिमिटेड। अपने सपनों को उड़ान दें, आज ही संपर्क करें 8650779069 पर। तो बहुत ज़्यादा हमने हैवी ट्रैफिक रोक रखा है दिन भर, छोटे ट्रैफिक को देखिए, अभी जो लोग लोकल लोग हैं जिनके रोज व्यापार के कारण अन्य कारणों से जाना पड़ता है, कार है स्कूटर, तो इसको तो आप रोक नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं होता है कि जो लोकल लोग हैं जाने अनजाने में कहीं गाड़ी छूट जाती, तो मौके पर तत्काल पहुंचकर वो जो कांवड़ खंडित हुई उनको कांवड़ भी उपलब्ध कराई गई, जल भी लाके गंगा जल उपलब्ध कराया गया। ये तरीका होता है जो दोनों लोग भावनाओं से जुड़कर काम करते हैं, और वो भी एक आकस्मिक ऐसी छोटी छोटी बात हो जाती है, लेकिन उनकी मदद होगी, तत्काल उनको गंगा जल भी उपलब्ध होगा, उनकी कांवड़ को भी हम नई बना के देंगे, ये हमने हर जगह निर्देश जारी कर दिए। सर, कांवड़ियों को अंतिम संदेश हरिद्वार पुलिस का? संदेश यही है कि जो यहाँ पर आए और सकुशल जाए, ये शुभकामना भी उनके साथ है। साथ ही साथ थोड़ा इस बार हमने पुलिस की तौर से स्वच्छता का एक वो भी लिया है, संकल्प लिया है कि कांवड़ स्वच्छ संकल्प लिया है, उसमें सहयोग करें, यही उनके लिए संदेश है। और जो लोग नशा जैसे करते हैं उनका कुछ? अब देखिए, इतने लाखों करोड़ लोग आ रहे हैं तो मैं इसको नशा तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग ऐसी शिकायतें मिलती हैं, लेकिन अगर आती है तो उसको जरूर संज्ञान लाएंगे, लेकिन मेन हमारा उद्देश्य अभी है कि सकुशल कांवड़ संपन्न कराना। ठीक, तो यहाँ पर आपने सुना, हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद थे हरिद्वार पुलिस कप्तान अजय सिंह, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ताकि लोकल लोगों को जो है दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि अपर रोड जो है वो अपने आप में सबसे ज़्यादा दबाव वाला क्षेत्र रहता है, हर की पौड़ी क्षेत्र, उत्तरी हरिद्वार क्षेत्र, और देख सकते हैं वो निरीक्षण करते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। और तमाम उनके साथ सेक्टर प्रभारियों की बात करें, जोनल प्रभारियों की बात करें, तमाम पुलिस अधिकारी जो हैं उनके साथ यहाँ पर आज मौजूद हैं, और जिनकी तैनाती यहाँ पर की गई है वो पुलिस बल आप यहाँ पर साथ में देख रहे होंगे। तस्वीरें एक्सक्लूसिव हरी टीवी समय आपको दिखा रहा है, और जैसा लगातार कांवड़ियों की पहली पसंद बनता जा रहा है, और कांवड़िए जो है पेज को बड़ी तादाद में फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज हमने आपको सुनवाया कि क्या पुलिस कप्तान का कहना था निरीक्षण के दौरान, जैसा हमने उनसे तमाम सवाल जवाब किए। जो हरियाणा और दिल्ली से आने वाले कांवड़िए, उन्होंने बताया कि उनके लिए बैरागी कैंप सबसे बड़ी पार्किंग जो है, और QR कोड की व्यवस्था जो हरिद्वार पुलिस द्वारा शुरू की गई है कि आप QR कोड के जरिए जो है उसमें फैसिलिटी ले सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने तमाम बातों को मुद्दों को लेकर बात करी कि 10 या 11 तारीख के बाद, जैसा उन्होंने बताया कि जो हरिद्वार दिल्ली हाईवे है उसको 2 लेन को खाली हरिद्वार से जाने जाने के लिए खोल दिया जाएगा, दोनों तरफ ट्रैफिक यहाँ से निकाला जाएगा, और कांवड़ पटरी को जो है वो लोकल लोगों के लिए उपयोग करने के लिए किया जाएगा। तो आज हमने आपको सुनवाया कि क्योंकि लोगों की काफ़ी ज़्यादा इच्छा थी कि क्या उनके लिए अच्छी व्यवस्थाएं हरिद्वार में देखने को मिलेंगी, क्या आखिर अच्छा हो सकता है, तो देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में हरिद्वार में जब कांवड़िए आएंगे तो प्रशासन की व्यवस्था के जो दावे किए जा रहे हैं वो कैसे रहेंगे। खास खबर के लिए हरिद्वार से मौजूद थे, फिर मिलते हैं किसी अगले मुद्दे के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।